हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फोटोशॉप के वीडियो में हम देखेंगे इंपोर्ट। ठीक है, तो यह है फोटोशॉप और यहाँ पे मेनू है इंपोर्ट। स्क्रिप्ट खत्म हो गया। इंपोर्ट में ये दो ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा है वीडियो फ्रेम्स टू लेयर, यानी कि आप कहाँ से ले सकते हो, जो ये लेयर है ना वो वीडियो से ले सकते हो आप। ये जो लेयर होती है ना वो वीडियो से भी आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं वीडियो से। ठीक है, तो ये हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल है, तो फोटोशॉप ट्यूटोरियल में एक वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बहुत लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, लेकिन सिलेक्टेड रेंज ओनली मैं ले लेता हूँ वीडियो से। बहुत वीडियो मुझे लंबी नहीं चाहिए, मैं थोड़ी सी वीडियो से लेयर ले लेता हूँ, दो तीन। ठीक है, ओके। लिमिट टू एवरी टू फ्रेम्स, यहाँ से आप सेट भी करवा सकते हो, एवरी टू फ्रेम्स ले लीजिए। ठीक है, जितनी भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो वीडियो में जितने भी लेयर है, ये लेयर मेरे पास आ चुकी है, देखिए बहुत सारी लेयर आ गई, 25 लेयर आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो इतनी लेयर मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं लेयर को हटा देता हूँ, इतनी सभी लेयर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये लेयर मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने हटा देता हूँ, डिलीट दे देता हूँ। 13 लेयर, ठीक है, 13 भी बहुत ही है। ठीक है, लेयर सिर्फ 8 है मेरे पास। कितनी भी वीडियो है वहां वीडियो से आप लेयर उठा सकते हो, ये देखिए ये इमेज आ चुका है। ठीक है, इसको लेयर आप बोल सकते हो। ओके, अब लेयर से हमें एक, ये देखिए सभी लेयर है वो अलग अलग है, लेयर सभी लेयर ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए सभी लेयर है वो अलग अलग है, और सभी लेयर को एक्सपोर्ट करके हम एक जीएफ बना सकते हैं, यानी कि वो वीडियो नहीं है लेकिन इमेज है, वो एनिमेटेड इमेज। ठीक है, और यहां से एक्सपोर्ट करना है हमें फाइल में जाके, और यहाँ पे आपको करना है सेव फॉर वेब लेगेसी। वेब लेगेसी जैसे ही आप करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जीआईएफ का। ठीक है, ये ऑप्शन होगा जीआईएफ, GIF क्रिएट करके आपको इमेज को सेव कर देना है। आपको जहां पे इमेज सेव करनी है सेव कर सकते हैं। यहाँ से अनटाइटल 3 है, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ हमारे वो जो फोटोशॉप ट्यूटोरियल वाला फोल्डर था उसमें। ये देखिए, तो यहाँ से एक GIF इमेज आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करवाता हूँ, ये देखिए ये इमेज है, वो मोशन इमेज है, ये देखिए हिल रही है, क्योंकि ब्लैक बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सभी इमेज को भी वहां पे शो नहीं किया था, ये देखिए। ठीक है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप इमेज बना सकते हो, इसको डिलीट कर देता हूं। ओके गाइस, तो ये था जीआईएफ इमेज, ये सभी लेयर का। ठीक है, ये एक ही एक को हमने ही शो करवाया था इसलिए। ओके, अगर मैं सभी को शो करवा देता हूं और यहां से छोटी सी इमेज एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो ये देखिए एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी, सभी इमेज को यहाँ पे जीएफ और सेव कर लेते हैं वहीं पे। ठीक है, क्योंकि इमेज बहुत इमेज नहीं थी इसलिए वीडियो है वो बिल्कुल छोटा बना है, जीएफ सॉरी। ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज को ओपन करके, वही आएगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इमेज है वो अपने आप ही प्ले हो रही है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब उसके बाद का जो ऑप्शन है वो देखते हैं, स्क्रिप्ट सॉरी इंपोर्ट में नोट्स। नोट्स में क्या करता है, इसको मैं अभी लेयर को डिलीट कर देता हूं, सभी लेयर को एक ही रखता हूं, नहीं इसको भी मैं हटा देता हूं। ओके, अब यहां पे मैं नोट लगा देता हूं। नोट्स तो आपको पता ही होंगे, यहां से हम राइट क्लिक कर सकते हैं आई ड्रॉपर पे और यहाँ पे नोट टूल का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट एक लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे नोट में मुझे जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ, दिस इज ब्रिज। ठीक है, दूसरी नोट यहाँ पे लगा लेता हूं, दिस इज शेडो। ओके, ये हमने लगा ली है नोट। अब इस नोट को हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल को करते हैं सेव। फोटोशॉप जो ट्यूटोरियल फोल्डर है उसमें ही पीडीएफ फाइल है, इमेज 3 पीडीएफ। ओके, सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक्रोबेट का जो लोअर वर्जन है वो ही आपको रखना है। ठीक है, सेव पीडीएफ कर लेते हैं, यस कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अभी पीडीएफ एक फाइल आ चुकी है, ये देखिए आप यहाँ पे।
जब इसमें ओपन करूंगा तो यहाँ पे इसमें नोट दिखेगी, ये देखिए नोट, ठीक है। ये फोटो पीडीएफ है, इसको आप ओपन करोगे तब आपको ये नोट दिखेगी। जब मैं यहाँ पे इस पे ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस इज सेड ओवर, यहाँ पे देखिए दिस इज ब्रिज, ऐसी नोट आ रही है। तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से फोटोशॉप में इस नोट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से इस नोट को डिलीट कर देता हूँ, नोट को क्रिएट, यहाँ पे नोट को डिलीट, ये तो क्रिएट हो रही है, ठीक है। नोट को यहाँ पे मैंने डिलीट करवा दिया, और यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट में नोट्स को मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। ये देखिए फोटोशॉप ट्यूटोरियल फोल्डर है, डबल क्लिक करता हूँ तो हमारी नोट है वो आ जाएगी। इसी तरह नोट को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे इजी है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ये दो ही ऑप्शन है। वाया सपोर्ट क्या है कि वाया सपोर्ट में आप अपना एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके वहां से इमेज उठा सकते हो, यानी कि अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर जैसा कुछ होता है ना, फाइल मैनेजर वैसा ही है वाया सपोर्ट, ठीक है। जब अपना मोबाइल कनेक्ट करोगे तो वाया सपोर्ट से आप अपना मोबाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो, उसमें से इमेज ले सकते हो, दो और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।